नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जौली। रुख करेंगे ललितपुर की कुछ खास खबरों पर। ललितपुर में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते तकरीबन 20 दिन से लाइट का एक पोल मकान के सहारे लटका हुआ है, जिसकी वजह से घर में करंट दौड़ रहा है। कई बार शिकायत करने के बाद भी बिजली विभाग ने अभी तक कोई सुध नहीं ली है। बिजली का पोल नीचे से सड़ने के कारण मकान से टिक गया है। मामला ललितपुर सदर कोतवाली अंतर्गत मोहल्ला पिसनारी कब्रिस्तान का बताया जा रहा है। घर में रहने वाले सभी लोग घर में करंट दौड़ता देख कर कहीं और घर छोड़ कर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। बिजली विभाग से शिकायत करने के बाद भी अभी तक बिजली विभाग ने कोई सुध नहीं ली है, बल्कि आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं। ललितपुर से मजीद मंसूरी की रिपोर्ट। मोहम्मद सरफराज। सरफराज, क्या है मामला? ये खम्मा टेढ़ा हुआ आज का 20 दिन होगा। 20 दिन पहले से हमने यहाँ पे अपनी सुनवाई लिखवा के गल्ला मंडी में जाके विद्युत विभाग में, लेकिन हमने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की इसकी। जाके अगर हम जाके कहें कुछ भी, तो भी जो कहते कि जाके अभी पहुंच जाओ, आपको 1 घंटे 2 घंटे में आदमी पहुंचा रहा है कर्मचारी। तो आज तक कोई कर्मचारी नहीं आया यहाँ पे। इसमें क्या करंट आ रहा है? क्या पूरे घर में करंट आ रहा है यहाँ पे? किसका घर है ये? हमारा। तो कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही यहाँ तक कि घर से हमें पूरा घर खाली करके जाने पाया यहाँ से।